गौरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने विधायक गौरा के नेतृत्व में निकाली कमल ज्योति विजय संकल्प बाइक रैली। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने देश भर में चल रहे कमल ज्योति विजय संकल्प रैली के क्रम में गौरा विधायक प्रभात वर्मा के नेतृत्व में अब की बार मोदी सरकार भारत माता की जय के उद्घोष के बीच हजारों कार्यकर्ताओं ने निकाला कमल ज्योति विजय संकल्प बाइक रैली। ये बाइक रैली गौरी चौक से शुरू होकर हथियागढ़ भूपतपुर मस्कनबा बाजार होते हुए छपिया भवनान खुड़ारे से गिनीनगर में सभा में तब्दील हो गई, जिसमें विधायक गौरा प्रभात वर्मा ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए बताया कि विधानसभा में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है तथा विकास की क्रांति आ गई है, चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा है। हमारी सरकार ने जितना विकास किया है उतना कोई सरकार ने अपने कार्यकाल में नहीं किया है। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं से अपील की कि आप लोग अपने क्षेत्र में बूथ पर जाकर हमारी सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की चर्चा करें। इसी क्रम में वरिष्ठ पदाधिकारी विदेश्वर प्रताप सिंह उर्फ छोटे भैया ने भी अपने विचार कार्यकर्ताओं के सामने रखते हुए कहा कि हमारी सरकार ने सेना का सम्मान करके पाकिस्तान को अपनी ताकत दिखा दी है और आज मोदी सरकार की देन है कि भारत का साथ सभी का देश दे रहा है और पाकिस्तान केवल अकेले पड़ गया है, जिसका नतीजा आपके सामने दिख रहा है। इसी क्रम में सोहराज वर्मा, अजय तिवारी सहित अधिकांश पदाधिकारियों ने भी संबोधन किया। इस अवसर पर अजय तिवारी, सूर्य कुमार वर्मा, दिनेश शुक्ला, विक्रम वर्मा, यशवंत सिंह, सूर्य प्रकाश वर्मा, बिंदेश्वरी वर्मा, इंद्रदेव यादव, जिला पंचायत सदस्य इंद्र बहादुर वर्मा, जोखू वर्मा, अंबुज पटेल, चंद्रभान वर्मा, थानाध्यक्ष विनय कुमार, सरोज महसफोर सहित अधिकांश गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। गोंडा से राजू सिंह की रिपोर्ट। जी, जो बेरोजगारों की बात हो रही है, हमारी सरकार जब से आई है लगातार बेरोजगारों नौजवान बच्चों के प्रति चिंतित है और बराबर अभी आपने देखा होगा पुलिस की भर्ती हुई बड़े पैमाने पर, हर भर्तियां हो रही हैं, शुरू हो गई हैं स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जो रोजगार के अवसर मिल रहे हैं लोगों को, अपना रोजगार अपने रोजगार के माध्यम से, सरकारी नौकरियों के माध्यम से तमाम नौकरियां निकाली जा रही हैं, तमाम नौकरियां निकाली जा रही हैं, मुद्रा योजना है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं और भर्तियां भी जो हो रही हैं आप देखें बराबर भर्तियां हो रही हैं और निष्पक्ष होके भर्तियां हो रही हैं, सबका साथ सबका विकास, कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से हम तमाम ऐसे लोगों को प्रशिक्षण करके जो हाई स्कूल इंटर में फेल हो गए थे, किसी कारणवश घर बैठ गए थे, दिल्ली बंबई चले गए थे, उनको भी प्रशिक्षित करके हम लोग रोजगार देने का काम। कमांडर अभिनंदन की रिहाई को श्रेय किसको दिया जाएगा, या सेना को मिलेगा या बीजेपी सरकार को? देश की जनता को देंगे, क्योंकि देश की जनता ने अगर 2014 में सरकार न बनाई होती तो आज हमारे सेना का मनोबल इतना न बढ़ा होता। देश की आज़ादी में जिन लोगों की सरकारें रही हैं उन लोगों ने सेना को बांध के रखा, धोखे में रखा। आज हमारी सरकार बनने के बाद सेना का मनोबल बढ़ा है और देश के जवानों का मनोबल बढ़ा है।